Good morning, all of you. My name is Saksham Sharma. I read in class third. Ready for a Gayatri mantra. Start. Om Bhur Bhava Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Deva Sadhimahi Dhyo Yo Na Prachodayat. Om Bhur Bhava Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Deva Sadhimahi Dhyo Yo Na Prachodayat. Om Bhur Bhava Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Deva Sadhimahi Dhyo Yo Na Prachodayat. Om Om Om. Rub your hands, put on your eyes, down your hands and open your eyes. Thank you. आलोकित पथ करो हमारा हे जग के अंतर्यामी. प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी. आलोकित पथ करो हमारा, तुच्छ हमारे मन के दाता, दुर्विचार सब दूर करो. तुच्छ हमारे मन के दाता, दुर्विचार सब दूर करो. प्रेरित हो हम केवल तुमसे, ऐसी हम में शक्ति भरो. आलोकिक पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी. शुद्ध प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी. आलोकित पथ करो हमारा. आओ चले हम जागृति के संग. नई उमंग जागृति के संग. आओ चले हम जागृति के संग. नई उमंग जागृति के संग. संग चलेंगे हम तो जीत जाएंगे, दुनिया की जंग को जीत जाएंगे. संग चलेंगे हम तो जीत जाएंगे, दुनिया की जंग को जीत जाएंगे. मिलकर करेंगे हम नई उमंग. आओ चले हम जागृति के संग. आओ चले हम जागृति के संग. नई उमंग जागृति के संग. दुनिया की भीड़ में हमको साबित करना है, हम किसी से कम नहीं अब ना डरना है. दुनिया की भीड़ में हमको साबित करना है, हम किसी से कम नहीं अपना डरना है. आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम. चलो चले हम जागृति के संग. आओ चले हम जागृति के संग. नई उमंग जागृति के संग. नमस्ते, मेरा नाम अमृत है. मैं कक्षा दूसरी का छात्र हूँ. मैं आज वंदे मातरम गाऊंगा. वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मयलज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम.
सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम लक्की त्रिपाठी, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मैं आज आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रही हूँ जिसका नाम है सच्चा दोस्त। जंगल में एक हिरन, कबूतर और चूहा, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ये जंगल के किनारे खाना खाते, पानी पीते, ये आसपास ही घूमते फिरते रहते थे। एक दिन जंगल में शिकारी आया शिकार करने के लिए। उसने हिरन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और आखिरकार उसके जाल में हिरन फंस ही गया। हिरन को फंसता देखकर कबूतर बोला, चिंता मत करो दोस्त, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं देखता हूँ कि शिकारी कितनी दूर है, जब तक हमारा दोस्त चूहा तुम्हें बाहर निकाल लेगा, इसलिए तुम बिल्कुल मत डरना। और आखिरकार यही हुआ, वहाँ चूहा जाल आधा काट ही चुका था और वहाँ कबूतर शिकारी के ऊपर हमला शुरू कर दिया। उसने शिकारी को बहुत परेशान किया। शिकारी परेशान होते होते हिरन के पास पहुँच गया। हिरन का जाला आधा कट ही चुका था, चूहे ने आधा काट दिया था, पर अफसोस वहाँ वो बाहर नहीं निकल पाया। फिर उतने में कबूतर ने अपना झुंड ला के शिकारी के ऊपर हमला कर दिया। और जब तक वो हमला कर रहे थे, जब तक चूहे ने पूरा पेट काट लिया था और चूहा और हिरन दोनों निकल के भाग निकले। और वो भागते 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 ने जब पीछे मुड़ के देखा तो शिकारी आ रहा था। शिकारी के हाथ में उनका दोस्त कबूतर था। कबूतर को देख कर हिरन के मन में आया कि इसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई है, अब मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं इसकी जान बचाऊँ। और फिर वो धीरे 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 शिकारी की ओर बढ़ने लग जाता है। शिकारी सोचता है कि ये घायल है, मैं इसको पकड़ लेता और कबूतर को छोड़ देता। उसने कबूतर को छोड़ दिया, कबूतर उड़ गया और चूहा अपने बिल में चला गया। और वो हिरन धीरे धीरे चलने लग गया और फिर शिकारी भी हिरन की ओर धीरे धीरे चलने लग गया। फिर हिरन पीछे मुड़ के भाग गया। और इसी को कहते सच्ची यारी। इन तीनों ने अपनी जान बचाई भी और एक दूसरे की मदद भी की।
गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज सोनम। आई स्टडी इन क्लास 3A। कोविड-19 के कारण भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्याओं से जूझ रहा है। वहां ऑनलाइन क्लासेस करना थोड़ा कठिन है। मैं रोज सुबह 6:30 बजे उठ जाती हूं। मेरी सबसे पहली क्लास दत्ता मैम की होती है 8:15 पे। समय समय पे वीकली टेस्ट और एग्जाम्स होते हैं। जब मैं ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ तो नेटवर्क की दिक्कतें होती है, जिससे हमारी टीचर चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस भेजती हैं। हर सैटरडे हमारी बुक्स और नोटबुक्स स्कूल में सबमिट होती हैं। जागृति पब्लिक स्कूल की उन टीचरों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनके कारण हम घर पे रहते हुए भी अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यापिका एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को ऑनलाइन होमवर्क समझ नहीं आ रहा है, वो बच्चे जो अध्यापिका ऑनलाइन वीडियो सेंड करती है उसे देख कर उसे समझे और अपना कार्य पूरा करें। धन्यवाद। Respected parents and dear my all students, I am Andeep Kaur. I wish you very happy Diwali from side our Jagruti Paribar. So I hope in this festival no one is burn crackers. We will celebrate this festival pollution free Diwali, green Diwali and cracker free Diwali. So enjoy this festival with the happiness and the lights. Happy Diwali. Thank you. Good morning to all respected parents. Student, as you know, the Diwali is coming. So, from me and my family means Jagruti Parivar Family, Jagruti Public School, ki taraf se aap sabko Diwali ki hardik badhai hai, shubhkamnaye. To aap sab log Diwali manaiye, hasi khushi manaiye. Bhagwan Lakshmi ki kripa aap sab pe bani rahe, Bhagwan Ganesh ji ki kripa aap sab pe bani rahe. Bachcho, chota sa request hai, Diwali manate waqt kuch cheezon ka dhyan rakhiye, jaise ki crackers chalate waqt जो पोल्यूशन होता है उसको कम से कम करें। कोशिश करिए क्रैकर ना जलाए, दिया सलाई कैंडलिंग करते वक्त आप पूरा का पूरा ध्यान रखें। इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करना है तो लाइटिंग जितनी जरूरत है उतना कीजिए। और दिवाली बिल्कुल बिंदास सही से मनाइए, कोरोना का ध्यान रखिए। थैंक यू। मने अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उचल जल तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जयो गाता। जन गण मंगल नायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय जय जय।